तो फाइनली गाइस गेम में इतना सारा रेयर आइटम रिटर्न आ रहा है, तो आप सभी का मन में कहीं ना कहीं तो ये सवाल पैदा होगा ही होगा, जो कोबरा M50 है ये कब तक हम लोगों को रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा, कंफर्म डेट और 100% प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा एक्चुअली कौन सा डेट में कोबरा M50 रिटर्न आने वाला है। उसके बाद बात करूंगा नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में, नेक्स्ट डायमंड रॉयल में कौन सा बंडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्री फायर का एक न्यू कोलाब होने वाला है जिसके अंदर जो बंडल वगैरह आएगा उसका रिव्यू करूंगा, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड बिना किसी और वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हर बार की तरह छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब और साइड में ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर लो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले यहां पर बात कर लेता हूं नेक्स्ट वेपर रॉयल के बारे में। तो नेक्स्ट वेपर रॉयल का जो वीडियो है वो गाइस आप यहां पर देख सकते हो, जो देखने में मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इसका एनिमेशन वगैरह मेरे को बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा और इसका लुक डिजाइन वगैरह बहुत ही ऑसम सा है। और पिछले वीडियो पे आपको बताया था यूनिक जो है गन आने वाला है, इस बार आने वाला है ट्रीटमेंट स्नाइपर, जो रेगुलर गन होता है वही जो है वेपर रॉयल में आता रहता है, लेकिन इस बार कुछ अलग सा आने वाला है, मतलब जो है यहाँ पर स्नाइपर आने वाला है वो भी ट्रीटमेंट स्नाइपर का। तो बहुत अच्छा खासा बात है, और जिसका एट्रीब्यूट है मैं सबसे पहले बता दिया, फिर भी आपको बता रहा हूँ उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका जो एट्रीब्यूट है ना गाइस वो है रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस, और जो है आर्मर प्रोटेक्शन डबल प्लस, और मूवमेंट स्पीड है माइनस। तो जो एट्रीब्यूट है वो गाइस काफी ज्यादा सुंदर है गाइस, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ठीक ठाक ही है गाइस। और गाइस अभी तो फिलहाल मानिस्ट का कॉलअप चल रहा है फ्री फायर के अंदर, लेकिन गाइस मानिस्ट कॉलअप खत्म होने के बाद ही फ्री फायर और एक जो है कलब करने वाला है, उसमें जो आइटम वगैरह आपको मिलेगा वो गाइस मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं। तो कुछ बंडल जो अपकमिंग होने वाला है कुछ वेब इवेंट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कॉलअप होने वाला है उस कॉलअप का जो बंडल है वो गाइस आप यहां पर देख सकते हो, जो एक एक करके मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले जो पिंक कलर का यहां पर बंडल देख सकते हो, जो देखने में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसका टी शर्ट वगैरह और इसका जो हेयर स्टाइल है और ये जो यहां पर चश्मा वगैरह है ये मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ओपी से इसका डिजाइन एनिमेशन है गाइस, मतलब एक साथ क्या ही बोलो, ऑसम बंडल है गाइस, मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये बंडल कमेंट में जरूर बताना। तो उसके बाद जो बंडल मैं दिखा रहा हूँ वो बंडल भी ओपी सा है गाइस, लेकिन पहले वाला बंडल मेरे को ज्यादा अच्छा लगा और ये बंडल उतना खास मेरे को नहीं लगा गाइस। आपको कैसा लग रहा है ये बंडल, अच्छा लग रहा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये बंडल बेकार सा है गाइस, उतना भी अच्छा नहीं है। तो ये दो ही बंडल जो है मैंने कवर कर पाया, और बाकी जो बंडल है किसी अलग जो है वीडियो पे आपको कवर कर दूंगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। दोनों बंडल में से कौन सा बंडल आपको सबसे अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इस वीडियो के अंदर 50 कमेंट कर देते हो तो नया जो कॉलाब है उसमें क्या क्या चीज हम लोगों को फ्री में मिलेगा और क्या क्या चीज डायमंड पे मिलेगा उसका डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूंगा। तो गाइस ये जो कॉलाब होने वाला है, ये कॉलाब कौन सा होने वाला है, इसका नेम वगैरह क्या है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरा कवर करूंगा इस जो कॉलाब के बारे में। तो उसके बाद गाइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट डायमंड रॉयल का बंडल। तो नेक्स्ट डायमंड रॉयल का बंडल क्या ही बोलो, ऑसम सा बंडल है जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा भाई। इसका एनिमेशन देखो भाई, इसका एंट्री एनिमेशन मतलब जो इंट्रो है ना ये एकदम ऑसम है भाई, 100 में 100 मिलेगा इसको। और इसका जो गाना टाइप का जो साइड में इंट्रो दिखा रहा है ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ये कोई भी एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, और पर्सनली इसका जो एनिमेशन है भाई तो कूल है भाई, इतना अच्छा एनिमेशन जो है डायमंड रॉयल पे आया है, मतलब जो डॉक्टर वाला बंडल है मेल फीमेल का तो घटिया सा बंडल था, मेरे को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन ये जो बंडल है इसको लेने का कोशिश करूंगा भाई, और इसका मैं वीडियो भी बनाऊंगा और कैसे वन स्पीड में निकल सकते हो इसका ट्रिक्स भी आपको दिखाऊंगा, मतलब ये जो बंडल है पर्सनली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो डायमंड रॉयल का बंडल है डॉक्टर बंडल और ये बंडल में से कौन सा अच्छा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तो डॉक्टर बंडल चल रहा है तो डॉक्टर बंडल को जाके देखो गेम के अंदर, और ये बंडल को भी देखो तो, और कमेंट करके बताना कौन सा बंडल आपको सबसे अच्छा लगा है। और उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है अपकमिंग लेजेंडरी MP5 का बारे में। अपकमिंग लेजेंडरी MP5 जो है वो गाइस जो नया कलाब होने वाला है उसके अंदर ये बंडल जो सॉरी बंडल बोल रहा हूँ ये गन स्किन देखने के लिए मिल जाएगा, जो देखने में भाई काफी ज्यादा ऑसम है। इसका भी एनिमेशन देख सकते हो, मतलब भाई क्या ही बोलू, मतलब ऑसम से इसका एनिमेशन है, मतलब मैं बोल नहीं सकता इतना अच्छा एनिमेशन भाई, ओपी टाइप का, मतलब MP5 का कोई भी अच्छा खासा ढंग का एनिमेशन के साथ लेजेंडरी गन नहीं था। तो फिनाल गाइस जो आने वाला है MP5 ना भाई बोलो मत, कुछ पूछो ही मत भाई,
मतलब क्या ही बोलू भाई, यहाँ पर देख सकते हो इसका एनिमेशन वगैरह, पिंक कलर का जो ऑसम एनिमेशन है ना, मेरे को जो लग रहा है ये टोकन टावर में पक्का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ज्यादा डायमंड आपका लग सकता है, ये छोटा मोटा इवेंट पे नहीं आएगा, ये बहुत ही ऑसम टाइप का जो है MP5 का स्किन है और इसका एट्रीब्यूट भी जबरदस्त होने वाला है। तो अभी तो कोई भी एट्रीब्यूट का लीक नहीं मिला है, जब भी मिल जाएगा मैं तुरंत इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो भी फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके साइड में जो नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर दिया करो। और ये जो MP5 है इसका कलर कॉम्बिनेशन और जो इसका एनिमेशन है गोल्डन पिंक कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना भाई, एकदम ऑसम सा है। और ये टोकन टावर में शायद देखने के लिए मिल जाएगा, टोकन टावर में नहीं मिलता है तो किसी और एक जो है वेब इवेंट पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें भी आपको ज्यादा डायमंड पे करना पड़ेगा। और ये जो ज्यादा डायमंड पे करना पड़ेगा ठीक ठाक ही है, लेकिन ये जो गान स्किन है ना ये भी ऑसम टाइप का है, इसमें ज्यादा डायमंड पे करने पे भी कोई भी नुकसान नहीं होगा गाइस। और इसका जो एट्रीब्यूट है ये अच्छा होगा तभी आप डायमंड स्पिन करना। और गाइस इसका एट्रीब्यूट क्या होने वाला है उसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, वो मैं बता चुका हूं इसी इवेंट पे, जो इसी कॉलअप पे जो भी चीज आएगा उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो होगा। और गाइस उसके बाद बात करने वाला हूं कोबरा MP40 रिटर्न के बारे में। तो कोबरा MP40 रिटर्न का आज इस वीडियो में पूरा प्रूफ भी दिखाऊंगा और एग्जैक्टली डेट भी मैं क्लियर करूंगा कौन सा डेट में आपको कोबरा MP40 देखने के लिए मिल जाएगा। उसके पहले एक छोटा सा बात यहाँ पर ध्यान से सुन लो, तो हम लोगों का सबसे पहले जो ईवो गन था वो था UMP जो सभी लोगों को फ्री में मिला था, और उसके बाद जो पेड वाला मतलब फेडेड व्हील वाला जो सबसे पहले जो ईवो गन था वो है ड्रैको AK ब्लू फ्लेम ड्रैको AK, वो भी रिटर्न हो चुका है। और उसका रिटर्न का एक रीजन भी था, हम लोगों को कुछ दिन पहले मतलब कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम पे एक वोटिंग हुआ था जिसमें एस्कर और ड्रैगन AK का जो ड्रैको AK है उसका वोटिंग हुआ था, जिसमें ड्रैको AK बहुत ही अच्छी तरीके से जीत गया था, मतलब सभी बंदे ने ड्रैको AK को वोट दिया था। तो इस वजह से जो है ड्रैको AK रिटर्न आया था, लेकिन अचानक से M1014 रिटर्न आ चुका है। तो M1014 का कोई भी यहां पर रूल मतलब जो भी ड्रैको AK का जो भी रूल था मतलब जो है उसमें एक वोटिंग हुआ था, लेकिन M1014 का कोई भी वोटिंग वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से आ गया था। तो इस वजह से थोड़ा सा भी जो मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ थोड़ा सा बिगड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, मतलब एक टाइम वोटिंग हुआ था मिला था और एक टाइम बिना वोटिंग हुआ अचानक से मिल गया M1014। लेकिन गाइस कोबरा MP40 के साथ ऐसा नहीं होगा, कोबरा MP40 बहुत ही जो है अच्छा खासा लेजेंडरी गन स्किन है जिसको कोई भी वोटिंग बिना लॉन्च नहीं करेगा। और जो मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं ना गाइस, यहां पर आप साफ साफ एक फोटो देख सकते हो जिसमें क्लियर हो चुका है ये जो कोबरा MP40 है किसी का हैंड पे है। तो हम लोगों को पता है कोई भी इवेंट आता है मतलब उसका जो कैरेक्टर है जो बंडल है उसका हैंड पे जो भी गन कटाना होता है वो बाद में गेम के अंदर आता है। तो यहां पर साफ साफ आप प्रूफ देख सकते हो, तो कुछ दिनों के अंदर ही जो है MP40 रिटर्न आने वाला है, ये तो हम लोगों का कंफर्म हो गया प्रूफ के साथ। लेकिन गाइस यहां पर कौन सा टाइम में आने वाला है और कौन सा इवेंट पे आने वाला है तो ये सभी का मन में डाउट है, तो इसका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। तो गाइस यहां पर जो है फेडेड व्हील में सभी जो चीज है मतलब M1014 ब्लू फ्लेम ड्रैको सब फेडेड व्हील में रिटर्न आ चुका है, तो कोबरा MP40 भी 110% फेडेड व्हील में ही आ जाएगा। और फेडेड व्हील में कितना डायमंड लगेगा, फेडेड व्हील में 950 डायमंड लग सकता है। तो जो भी बंदा 950 डायमंड नहीं है तो अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दो। और गाइस ये जो गन है ये फरवरी महीने में 20 फरवरी को आया था और गाइस 2021 को, और ये जो रिटर्न भी आएगा गाइस जनवरी महीने में आ सकता है। क्यों बता रहा हूं, जनवरी महीने जो है एस्कर का बर्थडे है, मतलब एस्कर आया था जनवरी महीने में, तो गाइस जनवरी महीने में फिर से वोटिंग होने वाला है जिसमें एस्कर और कोबरा MP40 का वोटिंग होगा, जिसमें आसानी से कोबरा MP40 ज्यादा वोट मिलेगा। और जनवरी महीने में 3 तारीख से 13 तारीख के अंदर जो है कोबरा MP40 आपको रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन गाइस थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है टाइम वगैरह में, तो टाइम वगैरह थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर कर दूंगा कब तक जो है कोबरा MP40 देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कितना दिन जो है चेंजेस होगा। और गाइस चेंजेस नहीं होता है तो इसी तारीख के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो अभी से डायमंड इकट्ठा करना शुरू कर दो, कुछ दिनों के अंदर ही कोबरा MP40 आपको रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब मिलेगा ही गाइस, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया, बंडल के हैंड पे है गाइस तो ये पक्का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद कर सकता हूं कोबरा MP40 के बारे में जो भी डाउट था वो 100% क्लियर हो चुका है, फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं तुरंत देने का कोशिश करूंगा। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अलग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे रहना भाई लोग, बाय-बाय।